सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित्र रतन संयोजक साकेत मुक्ति आंदोलन, आज मैं आजमगढ़ की पावन धरती पर बैठा हूं। यह धरती बहुजन आंदोलन की बहुत ही फलित धरती है और मैं पूरे देश में सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक लोगों से अपील करता हूं कि कम से कम वो सत्य बात बोलें कि साकेत पहले बौद्धों की धरती रही है। आज सरकार ने मनमाने तरीके से वहां राम मंदिर बनवा लिया है। मैं कतई राम मंदिर का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो समतलीकरण में अवशेष निकल रहे हैं उन अवशेषों की सरकार सुरक्षा करे, मुझे वहां संग्रहालय बना करके दे। मैं इसके लिए देश भारत के सभी राजनीतिक लोगों से, सामाजिक लोगों से, धार्मिक लोगों से, सभी बौद्ध भिक्षुओं से अपील कर रहा हूं। इसी श्रृंखला में मैं आजमगढ़ की पावन धरती पर पहुंचा हूं और आज हमारे साथ हैं आजमगढ़ के बहादुर शेर पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी, जो एक बहुत बड़ा अपना यहां मान सम्मान रखते हैं। इन्होंने हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के साथ, पिछड़े लोगों के साथ बहुत बड़ा काम किया है और ये एक आवाज है। ये पूरे पूर्वांचल के लगभग 20 जिलों में इनका बहुत बड़ा मान सम्मान है, इन्होंने काम किया है, आज वो मेरे साथ हैं। तो मैं चाहता हूं कि साकेत मुक्ति आंदोलन के बारे में देश के लोगों को बताएं और बौद्धों को आश्वस्त करें। माननीय सांसद जी, देखिए, मैं खुद बुद्ध जी को मानने वाला हूं, मानता हूं जो आपने कहा है। साकेत तो बुद्ध जी का था ही, बुद्ध विहार ही था, लेकिन आपने पहली बात तो ये होना चाहिए कि वहां पर जो है बुद्ध जी की कोई वो बननी चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। लेकिन अगर आप ज्योति बनवा रहे हैं राम मंदिर या कुछ बनवा रहे हैं, बनवाइए, हम विरोध नहीं करें, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि बुद्ध जी की संग्रहालय बनाकर जो सामान निकल रहे हैं वहां से, तमाम उसका संग्रहालय बनाए। लेकिन मुझे बड़ा दुख इस बात का होता है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, जावा, सुमात्रा, जर्मनी, चाइना, जहां जाते हैं, तो सीधे कहते हैं कि मैं बुद्ध जी की धरती से आया हूं। तब तो आप कहते हैं बुद्ध जी की धरती से आया हूं, और जब बुद्ध जी के बारे में संग्रहालय बनाने की बात हो रही है, जो अवशेष निकल रहे हैं, तो क्यों मुकर जा रहे हैं, मेरी समझ बात नहीं आ रही। बुद्ध जी तो हम लोगों के आदर्श थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी बुद्ध जी की शरण में गए थे। हम सभी लोग इस पक्ष में हैं कि अगर आप बुद्ध जी को स्थान नहीं दे सकते तो अगल बगल कम से कम जो उनके अवशेष निकल रहे हैं उसके संग्रहालय के लिए बुद्ध जी का होना चाहिए। हाँ, तो मैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से लगा हूं, साथ में चलूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, जहां भी जरूरत पड़ेगी, जहां आवश्यकता पड़ेगी, हम तन मन धन से आप सब तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ देखिए पूर्वांचल के शेर पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी थे, ये बहुजन आंदोलन के बहुत बड़े योद्धा हैं और मुझे बहुत बल मिला है, देश भारत के सभी बौद्धों को बल मिला है, जो बाबा साहब के अनुयायी उनको बहुत बड़ा बल मिला है इनके साथ आने से। बहुत बहुत मंगल कामना है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।